हेलो। मतलब इतना टफ डे था ना आज का। इतना ट्रैफिक मुंबई में, इतना ट्रैफिक। आई डोंट नो सब लोग कहाँ आ जा रहे थे, गॉड नोज। मेरा पूरा दिन आज के ट्रैफिक में निकला है। एंड मैं अपने ड्राइवर को लेके इतनी थैंकफुल थी ना। अगर आज मैं गाड़ी चला रही होती तो कहीं ना कहीं तो मुझे ठोक ही देनी थी। बट देन आई हैव गॉट अ रियली गुड ड्राइवर। मुझे आपको पता है मैंने ड्राइविंग कैसे सीखी थी? वो जो 15 दिन वाले कोर्स नहीं होते हैं बॉम्बे में, सबसे पहले मैंने वो कोर्स किया था। और उसने मुझे ऑफ कोर्स मेरा लाइसेंस बना के दे दिया था। एंड उसने मुझे सीधी सीधी गाड़ी चलानी सिखाई थी, मतलब रिवर्स नहीं सिखाया था। और एक बार ऐसे करके बता दिया था, ये ऐसे ऐसे रिवर्स हो जाता है। और वो उसने मुझे कभी शाम को गाड़ी चलानी अंधेरे में, मतलब जो इवनिंग वाला जो ट्रैफिक होता है उसमें कभी चलानी नहीं सिखाई। और ऐसे भीड़ वाले रोड पे तो कभी मुझे लेके गया ही नहीं। बस 15 दिन हुए और लाइसेंस के लिए जब अप्लाई किया था तो उन लोगों ने मुझे बोला कि सेकंड गियर डाल के दिखाओ, थर्ड गियर डाल के दिखाओ। वो सब दिखाया मैंने और मुझे उन्होंने लाइसेंस दे दिया। एंड देन उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ मतलब फॉरगेट इट। और फिर मुझे लगा कि यार ऐसे थोड़ा ना, मतलब कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता है, गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं कर पाऊँ मैं तो। फिर मेरे को समझ में आ गया कि जब तक आप अपनी खुद की गाड़ी नहीं लेते ना, तब तक आपको अच्छे से ड्राइविंग नहीं आएगी। देन आई बॉट अ सेकेंड हैंड मारुति जेन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जगह इधर उधर उधर लगने वाली है, इसका कबाड़ा होने वाला है। बाय एन ओल्ड कार एंड लर्न विद इट एंड देन गो फॉर वट एवर यू वॉन्ट टू बाय। तो मैंने मारुति जेन जो ली थी, मुझे इतनी अच्छी गाड़ी मिली थी ना, इतनी अच्छी। और मैंने फिर एक नए ड्राइवर दादा को बुलाया, उन्होंने मुझे 13 दिन में गाड़ी चलाना सिखाया था। एंड जब मैं उनसे सीखना शुरू कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको इतनी अच्छी गाड़ी चलाना सिखा दूंगा कि आप सीखते से ना उसको मतलब एयरपोर्ट पे लेके जा सकते हो। आई वाज लाइक रियली, क्योंकि मैं जब ऐसे ट्रैफिक देखती थी मुझे लगता था लोग कैसे इतनी गाड़ी ऐसे चलाते हैं। मैं हूँ, मैं तो छोड़ छाड़ के रिक्शे में बैठ के निकल जाऊँ। बट ऐसा होता नहीं है ऑफ कोर्स। एक बार आपको चलानी आ गई फिर थोड़ा ना कोई प्रॉब्लम। एंड देन फिर मैंने जब अपनी सियाज ली तो मैंने उसको 3-4 साल चलाया एंड अभी BM चला रही हूँ। तो ये पूरी बात का मतलब ये है कि एक बार अगर आपको कोई चीज़ चलानी आ जाती है ना, तो आप उसको इतनी आसानी से भूलते नहीं हो। इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डर खत्म होना चाहिए, फिर तो मतलब प्लेन भी उड़ा लें। चलो जी, आज के लिए इतनी गपशप, बाय।